उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ ने चांदपुर में अपनी इकाई का गठन करते हुए व्यापारी गौरव अग्रवाल को नगर अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए चांदपुर नगर में अपनी इकाई का गठन किया है, जिसमें व्यापारियों को कई पदों से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ नगर सातो इमली स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ है। व्यापारी अपने साथ क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान रखता है। अच्छे व्यापारी होंगे, अच्छा व्यापार होगा तो क्षेत्र में विकास के साथ उनका नाम होगा। संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी विषम परिस्थितियों से गुजरकर व्यापार करता है। उन्होंने व्यापारी को सहनशील बताया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की स्थापना पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल ने की तथा उनके बेटे एवं उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने की है, जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस संगठन में व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ी जाती है। संगठन में किसी प्रकार का चंदा नहीं होता है। चांदपुर नगर में कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए नगर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, महामंत्री प्रशांत गर्ग, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, संगठन मंत्री शिवम अग्रवाल, उपाध्यक्ष आफाक अंसारी, राकेश गुप्ता, अशोक शर्मा, मनोज कुमार, आफ्ताब आलम, सचिव विपुल भाटिया, गुफरान खान, विनीत जिंदल, प्रांजल माहेश्वरी, नगर मंत्री मयंक माहेश्वरी, हर्ष जिंदल, मंत्री पर गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश गुप्ता, नमन अग्रवाल, सुशील कुमार, शिवम महेश्वरी को बनाया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक अरोड़ा, जिला उपाध्यक्ष हिना शेख व सौरभ अग्रवाल, जिला मंत्री हिमांशु कौशिक, रकश गुप्ता, नजीबाबाद से अर्चित अग्रवाल, शाहिद सिद्दीकी, मोहम्मद असगर मंचासीन रहे। व्यापारियों ने मुख्य अतिथि व मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। सभी व्यापारियों को जिला अध्यक्ष ने संगठन का प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता गौरव अग्रवाल ने की तथा संचालन अजय कुमार कौशिक ने किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। मैं पूरी बात कर देता हूँ, मैं अपने चांदपुर के व्यापारी भाइयों, आई लव यू टू मच। उद्देश्य उत्तर प्रदेश उद्योग संगठन में इस दिन से मैंने यहां पर जिला अध्यक्ष का पद संभाला। आदरणीय मंत्री जी नितिन अग्रवाल जी, जो सब लोग जानते हैं, नरेश अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं, आबकारी मंत्री हैं वर्तमान सरकार में, पिछली योगी सरकार के अंदर ही आप जो है उसके विधानसभा के कनिष्ठ अध्यक्ष थे। और मैं कहूंगा कि जब उन्होंने मुझे लखनऊ छूट पार के लिए अपने अरोड़ा जी के साथ बुलाया, तो मैं आपको बताऊं भाइयों, मेरा जब मैं संगठन पर उत्तर प्रदेश का पहले मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था और मैंने जब उस संगठन को छोड़ा, उसके पीछे छोटी मोटी बात ये थी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के अलावा कोई चीज नहीं। मैं ये बात खुले मन से कहना चाहता हूं इसलिए कि वहां पर व्यापारी महापंचायत के नाम पर पूरे प्रदेश से पैसा इकट्ठा करना, व्यापारी कुंभ का नाम रखकर साल भर के अंदर 3 प्रोग्राम करने या 4 प्रोग्राम करने, और 25-25 लाख रुपए पूरे प्रदेश से इकट्ठे करने और 2 या 3 या 4 लाख रुपए खर्च करके 17-18 लाख रुपए गवन करने का काम उनके जो हमारे यहां के महामंत्री हैं मुकुल अग्रवाल जी, क्योंकि उनका कोई कारोबार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है वो व्यापारी नहीं है किसी प्रकार के, मैं आपको यह तो बड़े मन से कह रहा हूं, ना उनके कपड़े की दुकान, ना उनकी बीड़ी की दुकान, ना उनकी शराबे की दुकान, ना उनकी बर्तन की दुकान, ना उनका कोई पैसा ब्याज पे, ना ही उनका कोई अन्य प्रकार का उद्योग। अगर उनका कोई उद्योग तो व्यापार मंडल मैं जब जिला अध्यक्ष था तो लगातार आते थे, मेरे से कहते थे अध्यक्ष जी व्यापारी कुंभ हो रहा है, पैसे दिलवाइएगा, सहयोग राशि कराइएगा। मैं कम से कम आपको बताऊं 4 लाख रुपए से ऊपर उनको अपनी जेब से दे चुका हूं। मैंने किसी व्यापारी से कभी कोई चंदा नहीं है। थोड़ा सी जानकारी शायद किसी को है नहीं, मैं पिछले करीब करीब 35 साल से
अपनी शराब एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष बना हुआ हूं, इब्जा का जिलाध्यक्ष हूं और उस जी ज्वेलर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूं। तो ये आप सब लोग जानते हैं, मुझे कहने में कोई ऐसी बात नहीं, आप इसका नेता मत लेना। हमारे यहां और व्यापार के मुकाबले थोड़ा चंदा देने में पैसा ज्यादा मिल जाता है।